हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न प्रीति टीमन। हम कर रहे हैं बाल विकास का सिद्धांत, जिसमें हमने बहुत सारे सिद्धांत जो हैं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जो दिए गए थे तो वो हमने पढ़े। हमने प्याजे का सिद्धांत देखा, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिसमें उन्होंने चार स्टेजेस बताई थी, कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जिसमें थ्री लेवल और सिक्स स्टेजेस बताई गई थी, मैकडूगल का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत जिसमें उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। तो ये तो था थोड़ी सी रिवीजन, और आज हम करने वाले हैं फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। तो फ्राइड ने यहाँ पांच अवस्थाएं बताई हैं। तो इनके जो साइकोलॉजिस्ट जो भी हैं, उनकी जो थ्योरी है उनका नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको लर्न करना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता ही है। फ्राइड ने पांच अवस्थाएं बताई हैं, और वो कौन कौन सी बताई हैं? मुखावस्था, गुदावस्था, लिंगावस्था, सुसुप्तावस्था और जननेन्द्रिय अवस्था। तो फर्स्ट है मुखावस्था, जिसे ओरल स्टेज भी कहते हैं। यह जन्म से एक वर्ष तक की होती है। इसमें जो बालक होता है वो चूसना और काटना, ये विकास जो है इनका हो जाता है। आपने देखा होगा एक वर्ष तक का बच्चा जो है उसमें ये प्रवृत्ति पाई जाती है, वो किसी भी चीज को चूसने की प्रक्रिया या काटने की प्रक्रिया वो करता है। तो ये कौन सी अवस्था है? फर्स्ट स्टेज है मुखावस्था के अंदर। नेक्स्ट है गुदावस्था, यह 1 से 3 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें बच्चा मल मूत्र त्यागना और उसको रोकना, इसमें आनंद महसूस करता है, जो कि 1 से 3 वर्ष तक वह करता है। यह कौन सी अवस्था है? गुदावस्था। नेक्स्ट है फैलिक यानी लिंगावस्था, यह 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्लैंड इनका डेवलपमेंट होता है। तो ये इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्लैंड जो है वो क्या होती है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ याद रखना है कि फैलिक स्टेज में लिंगावस्था में, जो कि 3 से 6 वर्ष तक की होती है, इसमें इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्लैंड का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है लेटेंसी सुसुप्तावस्था, इसे फ्राइड बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। इसमें वह यह कहते हैं कि जो काम प्रवृत्ति है वो सोई हुई रहती है, यानी जिसे उन्होंने लिबिडो कहा है। लिबिडो यहाँ अदृश्य हो जाता है, और यह 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों में पाई जाती है। नेक्स्ट है जेनिटल स्टेज जननेन्द्रिय अवस्था, यह 12 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। इसमें विषम लिंगी आकर्षण होता है, विषम यानी कि जो सम ना हो, यानी कि एक लड़का का लड़की के प्रति और एक लड़की का लड़के के प्रति आकर्षण दिखाई देता है। तो ये जो पांचों स्टेजेस हैं, एक तो ये सीरीज वाइज हैं, इनको याद रखना है। फर्स्ट है मुखावस्था, सेकंड गुदावस्था, थर्ड लिंगावस्था, फोर्थ सुसुप्तावस्था और फिफ्थ जननेन्द्रिय अवस्था। इनको इंग्लिश में भी याद रखना है आपको, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल। तो इनको याद करने की ट्रिक है ओ अमरपाल एलजी टीवी लेकर आना। ओ से हो जाएगा ओरल स्टेज, अमर से एनल स्टेज, पाल से फैलिक स्टेज, एल से लेटेंसी और जी से जेनिटल स्टेज। इनको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब फ्राइड ने पांच अवस्थाएं बताई हैं, इनके पांचों के नाम, इनकी एज और इनमें क्या क्या कहा गया है ये हमने देखी। उसके बाद कुछ वर्ड ऐसे थे जिनको फ्राइड ने बहुत इंपॉर्टेंस दी है और जिनके अर्थ जो है वो हमें पता होने चाहिए, कि यहाँ से प्रश्न जो है वो आए हुए हैं। एनल और फैलिक स्टेज, जो सेकंड और थर्ड स्टेज बताई है फ्राइड ने, उसमें ईगो की अवस्था आ जाती है, यानी कि उसमें अहम जो है वह आ जाता है, बच्चा खुद से प्रेम जो है वह करता है। कौन सी स्टेज है? सेकेंड और थर्ड स्टेज। स्वयंमोह को फ्राइड ने नार्सिसिज्म कहा है। क्या कहा है? स्वयंमोह यानी खुद से जो प्रेम करता है बच्चा, उसको फ्राइड कहते हैं नार्सिसिज्म। ये वाला प्रश्न जो है वो एग्जाम में आया था कि स्वयंमोह को फ्राइड ने क्या कहा, आंसर इज नार्सिसिज्म। नेक्स्ट है लिबिडो का प्रयोग काम प्रवृत्ति के लिए यूज किया है। जो लिबिडो शब्द का यूज है वह किसके लिए किया है फ्राइड ने? काम प्रवृत्ति के लिए, ये भी याद रखिएगा। जेनिटल स्टेज में दूसरों में इंटरेस्ट आता है। जो लास्ट स्टेज है जेनिटल स्टेज, उसमें दूसरों में इंटरेस्ट आता है। नेक्स्ट है ओडिपस ग्लैंड और इलेक्ट्रा ग्लैंड, और इस ग्लैंड की बात हमने की थी थर्ड स्टेज में, फैलिक या लिंगावस्था, इसमें इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्लैंड का विकास हो जाता है। अब ओडिपस ग्लैंड क्या होती है? इसमें लड़का जो होता है उसका माता के प्रति प्रेम,
इलेक्ट्रा ग्लैंड में लड़की का अपने पिता के प्रति प्रेम का विकास होता है। अब इन दोनों को याद कैसे करेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, ओडीपस में याद रखिएगा कि एक लड़के का नाम है ओडी, और इलेक्ट्रा में याद रखिएगा एक लड़की का नाम है इलेक्ट्रा। ठीक है, अब ओडीपस ग्लैंड में यानी ओडी माता के प्रति, और इलेक्ट्रा ग्लैंड में यानी इलेक्ट्रा पिता के प्रति प्रेम का विकास हो जाता है। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। तो फ्राइड की थ्योरी, जिसका नाम मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं, फ्राइड ने 5 अवस्थाएं बताई हैं, और इन अवस्थाओं को मुखावस्था, गुदावस्था, लिंगावस्था, सुसुप्तावस्था और जननेन्द्रिय अवस्था, इनको आप याद रखिएगा। तो ये छोटी सी थ्योरी थी और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।